हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी की मैच करवाने वाले ऐतिहासिक पडल मैदान की हरियाली अब एक बार फिर वापस लौटने वाली है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मंडी के पडल मैदान की देखरेख का जिम्मा संभाल लिया है। इस पर एचपीसीए की ओर से करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है, जिसके चलते रखरखाव के उपकरण लाए जाएंगे। वहीं पर मैदान पर विदेशी घास उगाई जाएगी, जिससे ये मैदान सारा साल हरा भरा रहेगा। एचपीसी की ओर से पडल मैदान में महज क्रिकेट ही नहीं बल्कि हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके चलते मैदान में क्रिकेट की पिच को नए सिरे से बनाया जाएगा, जिससे हॉकी और फुटबॉल के मैदान के लिए भी जगह रहे। एचपीसी जिला मंडी के अध्यक्ष अजय राणा ने कहा कि पडल मैदान में क्रिकेट के अलावा हॉकी और फुटबॉल की गेम्स भी बदस्तूर जारी रहेंगी। इसके लिए क्रिकेट की पिच में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, जो इन दोनों की फील्ड से बाहर की जाएगी। इसके लिए एचपीसी के पिच क्यूरेटर पडल का दौरा करके लौट गए हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद पिच और विदेशी घास लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पडल मैदान को समतल करने और हरियाली रोपने के लिए 1 महीने का समय चाहिए, जिसके बाद इस पर कोई भी खेल शुरू किया जा सकता है। इससे घास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमाचल में सबसे पहले रणजी और देवधर ट्रॉफी के मैच करवाने वाले पडल मैदान में सन 2000 के बाद से कोई भी रणजी मैच नहीं हो पाया है, मगर अब ऊना और बिलासपुर के बाद एचपीसी मंडी के पडल मैदान की देखरेख का जिम्मा संभालते हुए क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के लिए इसे तैयार करने जा रहा है। अजय राणा ने बताया कि मंडी में इस साल रणजी ट्रॉफी मैच करवाए जाएंगे, जिसके लिए मैदान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा से भी इस बारे में बातचीत हो चुकी है। उन्होंने इसको लेकर उत्साह दिखाया है। अब लोगों को एक अच्छा मैदान देखने को मिलेगा। इसके अलावा पडल मैदान में सिंथेटिक प्रैक्टिस पिच भी बनेगी, जिससे खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस आसानी से कर सकेंगे। वहीं पर कई खेल प्रतिभाओं को उभरने का भी मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी खेलों के प्रति सकारात्मक रवैया है, वीरभद्र सरकार का खेलों के प्रति नकारात्मक रवैया था। अजय राणा ने कहा कि जहां जयराम ठाकुर का खेलों के प्रति रवैया सहयोगात्मक है, वहीं पूर्व के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रवैया खेलों के प्रति नकारात्मक रहा है। एचपीसी के स्टेडियम की तालाबंदी करने के बाद खेल संघों को परेशान किया गया है। इस अवसर पर मंडी के रणजी स्टार खिलाड़ी शक्ति सिंह, हॉकी संघ के राजा सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उससे खेलों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और पडल में मैक्सिमम यही मैदान है, इसके क्वार्टर पे अच्छा मैदान है, इसमें सभी गेम्स या खेली जाती हैं, या हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, और सबकी फील्ड अलग अलग है। और हम एचपीसीए की तरफ से क्रिकेट एसोसिएशन मंडी ने यह प्रयास किया है कि हम जो पुरानी मेन पिच क्रिकेट की थी, उस क्रिकेट का, उस पिच का, उसका वृद्धि और उसका नए सिरे से असेसमेंट करके नए तरीके से उसको बनाएंगे, ताकि हॉकी और फुटबॉल की जो खेल थी, जो पहले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती थी, वो ओवरलैप नहीं होगी। और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा जी और यहां के युवा जिलाधीश के साथ ग्राउंड का मुआयना हुआ है। ग्राउंड का हमने एचपीसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोग थे, उनसे सबकी बात हुई है। अभी हाल ही में जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाएगी और एचपीसीए इसका पूरा जो है वो खर्चा वहन करेगा। इसके लिए चीफ क्रिएटर जो जिसने इंटरनेशनल लेवल का जिनको अनुभव है, कल की यहां पटल मैदान उनको बुलाया था, उन्होंने यहां का मुआयना किया है और इसका नए सिरे से असेसमेंट किए हैं। उनका एस्टिमेशन एचपीसीए को चल रहा है, जल्दी पहुंच के बस जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगा तो हमारे काम शुरू होगा।